तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आए हैं अजमेर के मशहूर फाई सागर के अंदर। यहाँ पर भी आना सागर की तरह काफ़ी अच्छा एक सागर है। आप ये पेड़ देखिए, ये पेड़ भी बहुत पुराना है और कितना बड़ा पेड़ है। ये देखते हैं इसको आगे चल के कि यहाँ पर क्या क्या है। फाई सागर झील को स्वच्छ बनाए रखें, कूड़ा करकट कूड़ादान में डालें। कूड़ा तो समझ में आ गया, ये करकट किसे कहते हैं। पानी भी बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। और आप व्यू देखिए कितना प्यारा है यहाँ का। सनसेट होने का टाइम हो गया, बहुत ही शानदार व्यू। आगे भी चल के देखते हैं आगे क्या क्या बन रखा है। स्क्विरल बड़े दिनों बाद दिखी है। पानी मुझे आना सागर से ज़्यादा साफ लगा। शायद आना सागर में सीवरेज लाइन्स आती हो, इस वजह से यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो। काफ़ी साफ पानी है और स्मेल भी नहीं है बिल्कुल भी। आना सागर में स्मेल आती है। यहाँ जितने भी पेड़ हैं इन सब पे तोते बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा तालाब। कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। पीकॉक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी। गाँव के अंदर आते हैं तो बिल्कुल शांति नहीं होती, सिर्फ जानवरों की आवाज़, तोतों की, मैना की, मोरों की। यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अब देखिए बहुत कम लोग, इस पूरे में इधर कोई नहीं है, मोर नहीं। यहाँ इन पेड़ों को देख के कबीरदास का दोहा याद आ गया, प्रीतम ऐसी प्रीत न करियो जैसे पेड़ खजूर, धूप लगे तो छाव नहीं, भूख लगे फल दूर। सागर 1892 के अंदर कंस्ट्रक्ट हुआ था और इसको बनाने की लागत आई थी 1,00,000 रुपए। 1982 के 1,00,000 रुपए यानी आज के मेरे हिसाब से 2 करोड़ 3 करोड़ तो हो ही चुके होंगे, मगर इसे अभी फ़िलहाल 7वें महीने में रिकन्स्ट्रक्ट करा है दोबारा, और काफ़ी अच्छे तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट करा है अजमेर की अथॉरिटीज़ ने। देखो कुत्ते भी खेल रहे हैं यहाँ पर। सुकून बहुत है यहाँ पर, पब्लिक बहुत कम है, या तो शायद बहुत कम लोगों को यहाँ के बारे में पता है, या तो अभी जो रास्ता है यहाँ पर आने का वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, सच में बहुत ज़्यादा ख़राब। इसलिए मेरे ख्याल है कि पब्लिक अभी कम है, वरना जब रास्ता अच्छा हो जाएगा तो बहुत सारी पब्लिक आएगी यहाँ पर। और इस टाइम पर यानी सनसेट के टाइम पर तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। जो आपको नए पेड़ हैं वो अलग दिख जाएंगे, मगर बहुत सारे पेड़ हैं बहुत पुराने। जो मैंने एक पेड़ आपको शुरुआत में दिखाया था, उससे बड़ा पेड़ तो मैंने अजमेर में कहीं नहीं देखा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपकी राय पे ज़रूर गौर किया जाएगा। तो यहाँ फिसलनी देख के अंदर का बच्चा जाग गया है, देखते हैं फिसल के। मज़ा आया। इंसान को कभी कभी अपने अंदर के बच्चे को बाहर आने देना चाहिए, लोगों की परवाह के बगैर। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार लोग क्या सोचेंगे, कोई क्या कहेगा। अगर आप इसी सोच में रहोगे तो कभी भी खुश नहीं रहोगे, हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। हाँ, ध्यान रखना आपकी हरकत से कोई दूसरे को नुकसान नहीं पहुँच रहा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।